जैसा कि आपको पता है एसएससी एमटीएस के नोटिफिकेशन में इस बार हवलदार की भी सीटें आई हुई हैं। टोटल कितनी सीटें हैं? 3500 के अराउंड। कौन कौन से डिपार्टमेंट में? एक तो सीबीआईसी, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में एक्साइज डिपार्टमेंट भी कह देते हैं, और दूसरा है सीबीएन, जिसको हम नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो इन दोनों डिपार्टमेंट्स में जो टोटल वैकेंसीज हैं लगभग 3500 है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जो एक्साइज डिपार्टमेंट में हवलदार होते हैं उनकी जॉब प्रोफाइल कैसी रहती है, क्या काम करना होता है उनको, इसके अलावा ऑफिस का टाइमिंग क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी उनको, प्रमोशंस कैसे हैं उनके, क्या वर्दी वगैरह मिलती है उनको या नहीं मिलती है, इस पे बात करूंगा। इसके अलावा जब रेड पे जाते हैं आप, जब एक्साइज डिपार्टमेंट रेड कर रही है, तो क्या हवलदार लोग भी साथ में होते हैं, तो इन चीजों पे बात करने वाला हूं। एक डिटेल्ड वीडियो होने वाली है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो में आपसे करने वाला हूं वो ये है कि जब आप प्रेफरेंसेस दे रहे हो तो हवलदार को ऊपर रखना है या एमटीएस को, मतलब किसमें आपको बेहतर करियर अपॉर्चुनिटी लॉन्ग रन में लंबे टाइम में मिलेगी प्रमोशंस वगैरह के लिहाज से, उस पर भी बात करने वाला हूं। ऑब्वियसली जैसा आपको पता है शुरू में दोनों की सैलरी सेम है, दोनों 1900 ग्रेड पे की जॉब है ना, तो शुरू में तो सेम है, लेकिन बाद में अगर आप हवलदार ज्वाइन करते हैं तब आपके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं या डिसएडवांटेजेस, और आप एमटीएस ज्वाइन करते हैं तो क्या होगा, तब आपका करियर पाथ कैसा होगा, इस पे डिटेल में बात करने वाला हूं। ठीक, एक्साइज डिपार्टमेंट के हवलदार को स्पेशली मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताऊं कि जो एक्साइज डिपार्टमेंट में अगर आप हवलदार ज्वाइन करते हैं तो आपको एक बढ़िया सी वर्दी मिलती है, और जो वर्दी का कलर होता है थोड़ा सा डार्क होता है। जनरली जो आप देखेंगे जैसे दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस की जो वर्दी का कलर है उससे डार्क रहेगा। तो जब भी आप किसी हवलदार को देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये पुलिस डिपार्टमेंट का आदमी तो है, मतलब किसी फोर्स का तो आदमी तो है ये, लेकिन कौन से फोर्स का है, क्या ये पैरामिलिट्री का है, थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन होगी। ठीक, आप अगर डिटेल में आप मतलब वर्दी वगैरह देखना ही चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, कभी आपको मौका मिले, दिल्ली में इनकम आईटीओ है, एक एरिया है पूरा इनकम टैक्स ऑफिस पूरा एरिया है वहां पे, तो वहां पे इनकम टैक्स का एक फ्लोर फिर एक्साइज का एक फ्लोर है, तो अगर आप जाएंगे एक्साइज के फ्लोर पे तो ये लोग वहां पे आपको नजर आते हैं वर्दी में। ठीक, खैर तो ये बात हो गई कि आपको वर्दी तो मिलती है पहली बार। दूसरी, जॉब प्रोफाइल क्या है, काम क्या है। तो काम में एक मेजर काम जो है जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको एकम्पनी करना, उनके साथ होना, ये इनका एक मेन काम है। एसीडीसी असिस्टेंट कमिश्नर हो गए, डिप्टी कमिश्नर हो गए, कमिश्नर हुए, तो उनके साथ ये लोग एकम्पनी करते हैं। जैसे मैंने आपसे बताया कि आप अगर विजिट करेंगे एक्साइज डिपार्टमेंट कोई कमिश्नरेट वगैरह, तो वहां पे असिस्टेंट कमिश्नर मान लीजिए उनका केबिन है, उनका ऑफिस है, तो उसके बाहर आप देखेंगे कि एक दो मतलब पुलिस वर्दी में वहां पे लोग मौजूद आपको दिखेंगे, आप सोचेंगे क्या यार ये पुलिस वाले हैं कौन है, तो वो हवलदार होते हैं। ठीक, वो एक्साइज डिपार्टमेंट के हवलदार होंगे। तो मतलब इनका एक काम हो गया कि ऑफिसर्स के साथ वहां पे मतलब ये मौजूद हैं, पहला। दूसरा, ऑफिसर कहीं जा रहे हैं, कहीं मूवमेंट में हैं, तो ये उनके साथ गाड़ी में भी उनके साथ एकम्पनी करते हैं। ठीक, दूसरी बात। तीसरा, जब भी मतलब सर्च पे जाना होगा, ठीक है, सर्च एंड सीजर हमको बोलते हैं, जिसको आप रेड के नाम से भी जानते, रेड मारने जाना होगा, तब भी ये इंस्पेक्टर होंगे साथ में, सुपरिटेंडेंट हो सकते हैं, एसी हो सकते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, उनके साथ हवलदार लोग भी साथ में जाते हैं। जो पूरी टीम मैंने बताई, इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट, एसी, डीसी, अगर ये लोग जा रहे हैं तो ये फॉर्मल ड्रेस में होते हैं, लेकिन जो हवलदार होंगे ये वर्दी में होंगे उनके साथ। ठीक, तो ये उनके वहां भी साथ में, इनके साथ रेड वगैरह में जाते हैं। एक काम ये हो गया। तो आपने देखा नॉर्मल बहुत ही सिंपल सा काम धाम है। ठीक है, मतलब जो सीनियर्स हैं उनके साथ एकम्पनी करना, दूसरा रेड वगैरह में साथ में जाना, ये काम हो गया। इसके अलावा जो एक काम, जब बिल्कुल मतलब इन कामों में आप नहीं हैं तो थोड़ा बहुत हो सकता है, थोड़ा बहुत ही फाइल वर्क हो तो आप कह सकते हैं कि जॉब बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं है। ठीक, टाइमिंग की बात करें तो 9:30 to 6, ये जनरली अधिकतर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स की टाइमिंग है, तो यही टाइम आप फॉलो करते हैं। ठीक, सैटरडे संडे ऑफ का मैं क्लियर नहीं हूं हवलदार के केस में, लेकिन एक्साइज की जो वर्किंग है सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो 90% केसेस में यही है कि आपको भी उस दिन ऑफ मिलेगा। अब आगे चलते हैं, सैलरी की बात करते हैं। सैलरी आपकी है 1900 ग्रेड पे, 1900 ग्रेड पे जो सैलरी बनेगी आपकी 25,000 अराउंड, 25,000 अराउंड बनेगी। अब सैलरी देखिए वेरी करती है सिटी टू सिटी।
अगर आप ग्रुप एच सिटी में हैं, यानी कि मेट्रो शहर महानगर में, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, ये बड़े शहरों में, तो यहाँ पे जो आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, HRA हाउस रेंट, वो थोड़ा ज्यादा मिलता है अलाउंस, ठीक है, 24% मिलता है, तो और एक ट्रेवलिंग अलाउंस आपको ज्यादा मिलता है, तो इस वजह से यहाँ सैलरी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। और अगर आप छोटे शहर में हैं तो वहां पर सैलरी थोड़ी कम हो जाएगी। शहर तीन पार्ट में डिवाइडेड है, एक्स, वाई और जेड। तो एक्स मैंने बता दिया महानगर, वाई को जो बीच के शहर है, जैसे चंडीगढ़ हो गया, जयपुर हो गया, पटना हो गया, आपका यूपी का इलाहाबाद है, बनारस है, तो ये सारे आपके वाई सिटी हैं। और जेड सिटी में बहुत ही छोटे शहर हो जाते हैं, लेकिन जनरली बहुत छोटे शहरों में रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होता, उतना कारखाने नहीं है, तो जनरली जो आपकी पोस्टिंग होती है या तो एक्स सिटी में होगी या तो वाई सिटी में होगी एज अ हवलदार, ठीक, जो चांसेस है 95% केसेस में, ठीक, वहां आप पोस्टेड होंगे। अब चलते हैं आगे कि भैया ये तो बात हुई सैलरी की और पोस्टिंग, आपकी पोस्टिंग कहां रहने वाली है, ठीक। अब बात करते हैं प्रमोशंस की, ठीक, ये तो देख लिया आपने वर्दी मिलती है, बढ़िया, प्रमोशन की बात करते हैं, बहुत जरूरी है। देखिए जो अगला प्रमोशन आता है हवलदार का, आता है हेड हवलदार का, और मैं रेफरेंस दे रहा हूं आपको अभी एमपी रीजन का, एमपी जोन जो है, ठीक है, तो वहां पे देखा गया है कि कुछ हवलदार उन्होंने मतलब वो इंस्पेक्टर भी बने हैं, इवन सुपरिंटेंडेंट भी बने हैं, ठीक, जो कि गेस्टेड पोस्ट है और अच्छी पोस्ट हो जाती है, काफी रिस्पेक्टफुल पोस्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन चूंकि ये एग्जाम बहुत रेगुलर नहीं होता हवलदार का, एमटीएस का एग्जाम बड़ा ही रेगुलर है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि डिपार्टमेंट कैसे बिहेव करता हूं चीजों पे। लेकिन जब हवलदार हैं वो बहुत बहुत दिन बाद भरे जा रहे हैं, तो एक ये चीज है, इसलिए बहुत ज्यादा कैसे मतलब रहेगा करियर पाथ उस पर नहीं कह सकते। लेकिन हेड हवलदार जो है वो तो मिनिमम है, वहां तक कोई भी जो हवलदार ज्वाइन करता है पहुंचेगा। अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम्स इन्होंने पहले की तरह लिए तो आप इवन इंस्पेक्टर बन सकते हैं कुछ सालों के बाद, और फर्दर आप सुपरिटेंडेंट तक मैक्सिमम पहुंचने की सोच सकते हैं, ठीक, तो ये हो सकता है आपका करियर पाथ इसमें, सुपरिटेंडेंट बहुत बढ़िया पोस्ट, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है, बात करें मेडिकल वगैरह की, तो मेडिकल देखिए जो ये मतलब एक्साइज है CBIC, वो अपने जोन में अपने बोर्ड में कराता है मेडिकल, मतलब वो आपको वही सारी चीजें कोऑर्डिनेट करता है, ऐसा नहीं करता वो कि आपसे कह दे कि जी आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जहां के आप निवासी हो वहां से करा के लाओ, ऐसा नहीं है, वो अपना मेडिकल खुद कराएगा, तो मेडिकल आपका होगा वहां पे। लेकिन जनरली जो देखा गया है कि कभी भी कोई भी मेडिकल में आउट हो, ऐसा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, ठीक है, मतलब मेडिकल सबका लगभग लगभग पास हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है, ठीक, बस आप थोड़ा इनके क्राइटेरिया को ध्यान में रखें, ठीक। और फिजिकल की बात करें, फिजिकल आपने पढ़ा होगा नोटिफिकेशन, बहुत ही सिंपल फिजिकल लेने वाले हैं, अगर आपने कभी कभार क्रिकेट भी खेला हो तो भी आप इनका फिजिकल बड़े आराम से क्लियर कर लेंगे, ठीक। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपने ज्वाइन कर लिया, करियर पाथ की भी बात हो गई, अब कंपेयर करते हैं इस जॉब को MTS की जॉब से। तो सैलरी शुरू में दोनों में सेम मिलेगी, हवलदार में वर्दी वगैरह आप पहन के निकलेंगे तो आपके जो पड़ोसी हैं मोहल्ले वाले उनको भी अच्छा लगेगा, आप जो भी आप बताएं वो आपकी मर्जी है, वैसे ठीक है कि जिम में मतलब एक्सरसाइज में हूं ये वो, ठीक है। लेकिन MTS एकदम फॉर्मल ड्रेस में निकलेगा, नॉर्मल कपड़े में, ठीक, आप थोड़ा पावरफुल शुरू में महसूस करेंगे, लेकिन लॉन्ग रन में जब मैं करियर देखता हूं तो एक MTS का करियर एक हवलदार के करियर से बेहतर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि वहां पे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स का ऑप्शन बिल्कुल ओपन है, वो दे सकते हैं, ठीक है। और डिपार्टमेंटल एग्जाम देके एक MTS, जैसे एक्साइज की बात करूं तो वहां पे टैक्स असिस्टेंट बन सकता है, सीनियर टैक्स असिस्टेंट बन जाएगा, ठीक है, इवन वो अपना इंस्पेक्टर बन सकता है, सुपरिटेंडेंट बन सकता है अगर यंग एज में उसने बहुत ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। तो ये सारा फायदा आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत ही क्लियर पाथ है, समझ रहे हैं, हर बार MTS की वैकेंसी आती है, हम लोग देखते आ रहे हैं कैसे प्रमोशन होता है। लेकिन हवलदार में मैं आपके साथ वही डेटा शेयर कर सकता हूं जो बहुत पुराना डेटा है, 15 साल पुराना, तो उसमें यह है कि भैया एग्जाम दे के लोग इंस्पेक्टर तक बने हैं, सुपरिटेंडेंट तक बने हैं, तो आप भी बन सकते हो, ठीक। लेकिन फिर भी फॉर्म भरते वक्त श्योरिटी जहां पे हो उसको हमें ऊपर रखना चाहिए, तो हम MTS को ऊपर फिल करें, फिर हवलदार फिल करें, हवलदार को रखें तो ज्यादा अच्छा है।
ठीक है। तो ये थी छोटी छोटी बातें, अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, बढ़िया से तैयारी करिए और एग्जाम को क्लियर करिए। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय।